हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का चैप्टर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड उसका एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये इलस्ट्रेशन है, 21 नंबर है एंड दिस इज फ्रॉम द JR मोंगा बुक। क्वेश्चन में हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है एंड ये साइड जो होती है हमारी रिसीट्स की होती है कि हमें कौन सा रिसीट्स मिला है ड्यूरिंग द ईयर और यहाँ पे हमने कितनी पेमेंट्स की है। तो रिसीट एंड पेमेंट में गिवन है कि हमें ओपनिंग में कैश बैलेंस था 70,000 रुपीज़ का, फिर हमें सब्सक्रिप्शंस मिली 5 लाख रुपीज़ की, फिर डोनेशंस रिसीव हुआ 1,45,000 रुपीज़ का, फिर हमें इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है 7% 70,000 रुपीज़ का, और चैरिटी शो किया था जिससे कलेक्शन हुई है 1 लाख रुपी की। एंड यही हमारी पेमेंट्स है, मेडिसिन के लिए हमने पेमेंट किया 3 लाख रुपीज़ का, ऑनरेरियम पे किया 1 लाख रुपी का, सैलरी 2,75,000, सन्ड्री एक्सपेंसेस है 5,000, इक्विपमेंट्स परचेज किए 1,50,000 एंड चैरिटी शो जो यहाँ पे हमें कलेक्शंस हुई थी उसके लिए जो शो किया था उसके एक्सपेंसेस हमारे 10,000 रुपीज़ हुए हैं, और जो कैश और बैंक का बैलेंस है वो हमारा टोटल है 45,000 रुपीज़ का। एंड दिस इज द एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। ये सारे बैलेंसेज ओपनिंग बैलेंसेज हैं और ये सारे हमारे क्लोजिंग बैलेंस हैं। तो इसमें गिवन है कि हमें सब्सक्रिप्शन ड्यू, ये बिगिनिंग का सब्सक्रिप्शन है और ये एंड का सब्सक्रिप्शन ड्यू है यानी कि आउटस्टैंडिंग है। दिस इज ऑल्सो आउटस्टैंडिंग बट बिगिनिंग में कितना था और लास्ट में कितना है। सब्सक्रिप्शन हमें एडवांस में रिसीव हुई तो ये बिगिनिंग में रिसीव हुई है और ये एट दी एंड में एडवांस में रिसीव हुई है। मेडिसिन का स्टॉक है हमारे पास 1 लाख रुपये ओपनिंग में था, क्लोजिंग में 1,50,000 रुपीज़ का स्टॉक रह गया। क्रेडिटर्स हैं मेडिसिन के लिए 80,000 ओपनिंग में थे, अब लास्ट में हमारे पास 1,20,000 के रह गए। इक्विपमेंट्स है 2,10,000 के हमारे पास ओपनिंग में थे, 3 लाख रुपीज़ के क्लोजिंग में बचे हैं। बिल्डिंग है हमारे पास 4 लाख रुपी की ओपनिंग में थी, क्लोजिंग आते आते 3,80,000 की बिल्डिंग रह गई। वी हैव टू प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। तो हमें बैलेंस शीट को भी प्रिपेयर करना है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। अब देखिए, इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए कि यहाँ पे जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे रिलेटेड ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उसके आगे एक मार्क कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे लास्ट में हमें बिल्डिंग गिवन है, तो बिल्डिंग अगर ऊपर कहीं पर गिवन है बिल्डिंग तो उसको वहाँ पे मार्क कर लेंगे, बट यहाँ पे कहीं पे बिल्डिंग नहीं है तो हम बिल्डिंग को नहीं छेड़ेंगे। इक्विपमेंट्स है, इक्विपमेंट्स यहाँ पे हमने परचेज किए थे, इक्विपमेंट्स परचेज, तो यहाँ पे हम ऐसे डॉट डाल देंगे कि हमें इसकी एडजस्टमेंट करनी है। फिर हमारे पास क्रेडिटर्स है मेडिसिन के लिए, स्टॉक है मेडिसिन का, तो यहाँ पे हमने ऊपर जो था वो मेडिसिन परचेज की थी तो पेमेंट फॉर मेडिसिन हमारे पास, इसकी भी एडजस्टमेंट है। देन हमारे पास सब्सक्रिप्शन है, तो पहले हम सब्सक्रिप्शन की एंट्री कर लेते हैं कि हमें सब्सक्रिप्शन का जो टेबल बनाते हैं हम लोग, पहले हम उसको देख लेते हैं किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो देखिए, पहले हम कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन। सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हुई थी ड्यूरिंग द ईयर 5 लाख रुपए की, यहाँ पे उसने कहा था 5 लाख रुपए की सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है तो वही 5 लाख रुपए हमने यहाँ पे डाल दिया, सब्सक्रिप्शन रिसीव 5 लाख रुपए। उसके बाद हमें एडवांस में रिसीव हुई थी 10,000। मैंने बताया है कि अगर ओपनिंग में एडवांस है मतलब वो कौन से ईयर के लिए है, हमारे 2019 वाले ईयर के लिए है, तो जो ओपनिंग का एडवांस है वो हमारा ऐड हो जाएगा 10,000 रुपीज़, तो 10,000 रुपीज़ ऐड हो जाएगा, और आउटस्टैंडिंग एट दी एंड भी ऐड हो जाता है, तो आउटस्टैंडिंग एट दी एंड 10,000 है, तो ये वाला 10,000 यहाँ पे ऐड हो जाएगा क्योंकि ये हमारे करंट ईयर को बिलोंग करता है। इसमें से हम लेस कर देंगे रिसीव्ड इन एडवांस एट दी एंड। अब हमें एंड में जो एडवांस रिसीव हुआ है वो नेक्स्ट ईयर के लिए रिसीव हुआ होगा, तो नेक्स्ट ईयर के लिए कौन सा एडवांस था, 5,000 रुपीज़, तो ये हम लेस कर देंगे 5,000 रुपीज़, तो 5,000 लेस कर दिया। और आउटस्टैंडिंग इन बिगनिंग जो होता है हमें उसको भी लेस करना होता है, तो आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग कितना था, 5,000 रुपीज़। ये जो 5,000 आउटस्टैंडिंग है कौन से ईयर को बिलोंग करता है, 2018-19 को बिलोंग करता है, तो 18-19 वाला आउटस्टैंडिंग तो नहीं लेना, तो इसलिए इसको भी हम लेस कर देंगे, इसको हम लेस कर देंगे, ये हमारे करंट ईयर को बिलोंग करता है इसलिए इसको प्लस कर देंगे और इसको भी प्लस कर देंगे। तो ये कैलकुलेशंस करने के बाद हमें पता चलेगा कि टोटल सब्सक्रिप्शन जो हमारी करंट ईयर को बिलोंग करती है वो है 5,10,000 रुपीज़, और ये हम कहाँ पे शो कर देंगे, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे, इनकम है क्योंकि सब्सक्रिप्शन है। इसके बाद हमें नेक्स्ट एडजस्टमेंट गिवन थी स्टॉक की, कि हमारे पास स्टॉक ऑफ मेडिसिन है 1 लाख का, 1,50,000, 80,000 और 1,20,000। तो मैंने आपको याद होगा बताया था कि जो ओपनिंग स्टॉक होता है उसमें ऐड कर देते हैं हम लोग परचेजेस, तो ओपनिंग स्टॉक कितना था हमारे पास, 1 लाख रुपए का था, इसमें हमने परचेज किया था, पेमेंट फॉर मेडिसिन 3 लाख रुपीज़ की हमने और मेडिसिन परचेज की है, तो 3 लाख रुपीज़ की और परचेज कर ली, तो अब हमारे पास 4 लाख की मेडिसिन हो गई। 4 लाख की मेडिसिन में से
आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग कितना था? देखो ओपनिंग के क्रेडिटर्स थे 80,000 रुपीज जो हमने क्रेडिटर्स को देने हैं वो कौन से ईयर के देने हैं? 18-19 के देने हैं, तो वो हमारे करंट ईयर को बिलोंग नहीं करते, इसलिए ये वाले हम लेस कर देंगे। तो ये कौन से ईयर के आउटस्टैंडिंग है? 18-19, और हमारा ईयर कौन सा है? 19-20, तो ये वाले लेस हो जाएंगे और ये वाले ऐड हो जाएंगे। तो 80,000 लेस हो जाएगा और वो वाले हमारे ऐड हो जाएंगे, 120,000 ऐड हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक भी हमें ऊपर से गिवन था यहाँ पे कि स्टॉक ऑफ मेडिसिन क्लोजिंग में कितना है, 1,50,000 रुपीज़। तो ये वाला जो है हमारा लेस हो जाएगा, 1,50,000 रुपीज़ क्लोजिंग स्टॉक। आउटस्टैंडिंग एट दी एंड ऐड हो जाएगा, और आउटस्टैंडिंग जो बिगनिंग में था वो ये 18-19 का है तो लेस हो जाएगा, ये 19-20 का है तो ये ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी जो कॉस्ट ऑफ मेडिसिन है जो हमने कंज्यूम की है वो आ गई है 2,90,000 रुपीज़ की, क्योंकि हमारे लिए एक्सपेंडिचर है तो ये कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और किस नाम से होगा? कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड। सो दिस इज द मेडिसिन जो हमने कंज्यूम की है। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट थी हमारे पास इक्विपमेंट्स की। इक्विपमेंट्स कह रहा है ओपनिंग में 2,10,000 रुपीज था, क्लोजिंग में 3,00,000 बच गए, और हमने ऊपर इक्विपमेंट्स को परचेज भी किया था 1,50,000। तो 1,50,000 परचेज किया, 2,10,000 ऑलरेडी था तो इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो वही मैंने किया, ओपनिंग में 2,10,000 रुपीज़ था, 1,50,000 और परचेज कर लिया, और क्लोजिंग में 3,00,000 बच गए, तो बाकी का जो होगा वो क्या हो गया? डेप्रिसिएशन हो गया। तो 60,000 रुपीज़ का हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो 2,10,000 प्लस 1,50,000, उसमें से हम अपना क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कितना डेप्रिसिएशन लगा है ड्यूरिंग द ईयर, और ये कहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा? डेबिट साइड। तो हम इसे डेबिट साइड पर रिकॉर्ड कर देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। फिर हमारे पास बिल्डिंग थी। अब देखिए ऊपर बिल्डिंग हमने कहीं पर भी परचेज नहीं की, ना तो हमने परचेज की ना तो हमने सेल की, तो बिल्डिंग का हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो बिल्डिंग हमें क्या था, 4,00,000 की ओपनिंग में थी, 3,80,000 की लास्ट में बच गई, तो 20,000 रुपीज़ क्या हो गया? डेप्रिसिएशन। तो यही 20,000 रुपीज़ का हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगा देंगे, और ये कहाँ पे चला जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगा 20,000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए हम लोग जो अपनी पेमेंट साइड है हम उसमें से डेटा उठाएंगे, एंड हम उसे कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? क्योंकि ये सारी पेमेंट्स है यानी कि ये सारे हमारे एक्सपेंसेस हैं, तो जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होंगे। तो पेमेंट फॉर मेडिसिन जो है वो ये वाला पॉइंट नहीं आएगा, क्योंकि दिस इज अ स्टॉक ऑफ कि हमने खरीदा है। अब हमने कैलकुलेशंस किया था तो हमें पता चला था कि 2,90,000 रुपीज़ का हमने मेडिसिन कंज्यूम की है, सो दिस इज एन एक्सपेंडिचर। तो 2,90,000 हमारा कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और हम लिख देंगे मेडिसिन कंज्यूम 2,90,000। तो फर्स्ट एंट्री हमारी हो गई। देन इज द ऑनोरेरियम 1,00,000 रुपये का, तो ऑनोरेरियम 1,00,000 रुपये का आ गया। फिर हमने सैलरीज पे की 2,75,000 की, तो 2,70,000 की सैलरीज आ गई। फिर हमने सन्ड्री एक्सपेंसिस पे की 5,000 के, तो आप इस यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक है यहाँ पे, तो यहाँ पे 5,000 नहीं है, यहाँ पे 10,000 होगा, क्वेश्चन में मिस्टेक है। तो यहाँ पे 5,000 की जगह हम क्या कर लेंगे? 10,000 कर लेंगे, तो 5,000 5,000, ठीक है। यहाँ पे एक एक्सपेंस था जो कि बुक ने रिकॉर्ड करना भूल गए हैं, तो अगर आप इस साइड को टोटल करेंगे तो 5,000 रुपीस लेस आएगा, तो इसीलिए यहाँ पे हम सन्ड्री एक्सपेंसेस को 10,000 कर लेंगे, 5,000 नहीं करेंगे। तो 5,000 प्लस 5,000 10,000। इसके बाद हमने इक्विपमेंट्स और बिल्डिंग्स के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था, तो 60,000 रुपीस का डेप्रिसिएशन हमारा बिल्ड इक्विपमेंट्स पे आया था, और 20,000 रुपीस का बिल्डिंग के ऊपर आया था। अब हमारी ये वाली साइड कंप्लीट हो गई है। अब हम अपनी इनकम देखते हैं। इनकम में हमारे पास सब्सक्रिप्शन था, तो सब्सक्रिप्शन हमारी ये वाली नहीं आएगी, कौन सी आएगी? जो हमने कैलकुलेट की थी, तो वो थी 5,10,000 रुपीज़ की। डोनेशन के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डोनेशन एज इट इज़ आ जाएगा 1,45,000, तो डोनेशन आ गए 1,45,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट गिवन था 70,000 का, तो ये भी एज इट इज़ आ जाएगा 70,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है चैरिटी शो की कलेक्शन है 1,00,000 रुपये की, और यहाँ पे कह रहा है कि चैरिटी शो की एक्सपेंसेस है 10,000 की। तो मैंने आपको बताया था कि आप दो तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हो, या तो आप इसको डेबिट में डाल दो और आप इसको क्रेडिट में डाल दो, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी नेट इनकम दिखा सकते हैं।
तो 1 लाख रुपए की इनकम में से हम इसके जो रिलेटेड एक्सपेंस है 10,000 के, हम उसको सब्ट्रैक्ट करके भी दिखा सकते हैं। तो मैंने वही क्या है, चैरिटी शो की कलेक्शन 1 लाख रुपए की थी और उसमें से एक्सपेंसेस हमारे 10,000 के हो गए, तो हमें नेट कलेक्शन कितना हो रहा है, 90,000 रुपीज़ का हो रहा है। तो हमारी नेट इनकम कितनी हो रही है चैरिटी शो से, 90,000 रुपीज़ की। अब ये जो हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट था, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम टोटलिंग करेंगे, टोटल करने के बाद आएगा यहाँ पे 8,15,000 रुपीज़, 8,15,000 रुपीज़, और सरप्लस हमारा इस साइड बच रहा है, यहाँ पे हमारा बैलेंस है, तो ये हो जाएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर। तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ रही है, 65,000, और ये जो सरप्लस होता है ये कहाँ पे ऐड होता है, कैपिटल फंड में, बैलेंस शीट में। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे हमसे क्वेश्चन ने मांगा है बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट के लिए हमें कैपिटल फंड चाहिए होता है, जिस तरीके से कंपनीज वगैरह में कैपिटल होता है, सिमिलरली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में कैपिटल फंड होता है। तो क्वेश्चन में तो हमें कहीं पर भी कैपिटल फंड नहीं गिवन है, तो हमने पूरा क्वेश्चन देखा अभी, इसमें कहीं पर भी कैपिटल फंड नहीं था। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले ओपनिंग बैलेंस शीट को प्रिपेयर करेंगे और हम उससे कैपिटल फंड कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए मैंने बैलेंस शीट बनाई है पहले, तो बैलेंस शीट प्रिपेयर की है एज एट 31 मार्च 2019 की हम लेंगे। तो देखिए 19 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ड्यू था सब्सक्रिप्शन ड्यू 5,000 रुपीज़, क्योंकि ये ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग है तो ये मेरे लिए एसेट हो जाएगा, तो मैंने सब्सक्रिप्शन ड्यू जो था वो ओपनिंग का 5,000 यहाँ डाल दिया, क्योंकि मेरे लिए एसेट है। फिर हमारे था सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग में, तो ओपनिंग की एडवांस अगर आपको पेमेंट मिलती है तो हमारे लिए लायबिलिटी होती है। तो 10,000 रुपये मुझे किसी ने दिए हैं सब्सक्रिप्शन के नाम के, तो मेरे लिए लायबिलिटी है ना, तो मैं इसे कहाँ पर रिकॉर्ड करूँगी, लायबिलिटी साइड में 10,000 रुपीज़। तो ये आ गया सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 10,000 रुपीज़। फिर मेरे पास स्टॉक ऑफ मेडिसिन था 1 लाख रुपये का, तो स्टॉक है मेडिसिन का तो मेरे लिए एसेट है, तो 1 लाख रुपये की एसेट यहाँ पे रिकॉर्ड हो गई, तो ये भी हमारा हो गया। फिर मुझे गिवन था क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन, क्रेडिटर्स थे मेरे पास 80,000 के, तो मेरे लिए लायबिलिटी है, तो ये कहाँ पे रिकॉर्ड होगी, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन। फिर इक्विपमेंट्स थे 2,10,000 के, तो ये मेरे लिए एसेट है, तो एसेट आ जाएगी 2,10,000 रुपीज़ की इक्विपमेंट्स आ गए। उसके बाद बिल्डिंग मेरे पास ओपनिंग में थी 4 लाख रुपीज़ की, तो 4 लाख रुपीज़ की बिल्डिंग भी मेरे पास ओपनिंग में आ गई। अब देखिए यहाँ पे एक हिडन इन्वेस्टमेंट है, सॉरी हिडन एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट क्या है, हमें कहा था इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है 7%, बट क्वेश्चन में हमें कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं बताई। तो हम क्या देख रहे हैं कि 70,000 रुपीज़ अगर आपको 7% इंटरेस्ट दे रहा है, मुझे ये नहीं पता कि मैंने इन्वेस्टमेंट कितना किया। मैं मान लेती हूँ कि मैंने एक्स अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट किया, उसके ऊपर मुझे 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो मुझे कितना मिल रहा है, 70,000 रुपीज़ मिल रहा है। तो मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 70,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडिंग इट बाई 7, तो ये कितना आ जाएगा, 10 लाख रुपीज़। तो 10 लाख रुपये की मेरे पास इन्वेस्टमेंट है जो कि हिडन एडजस्टमेंट है। तो ये 10 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट कहाँ पर आ जाएगी, हमारे पास ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगी इन्वेस्टमेंट, 70,000 डिवाइडिंग इट बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 100 10 लाख रुपीज़। और कैश इन हैंड हमारे पास कहाँ से आया, ये जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग में हमारे पास कैश इन हैंड था ना 70,000, यही वाला हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट में आ गया 70,000। अब इन दोनों साइड्स को टोटल कर लेंगे तो आएगा 17,85,000, एंड हमारे पास बैलेंस बच रहा है दिस साइड, सो दिस इज द कैपिटल फंड। तो ये हमारा कैपिटल फंड का बैलेंस हो गया है 16,95,000 रुपीज़ कैपिटल फंड के नाम का। अब हमें कैपिटल फंड पता चल गया है तो हम अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट को इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सेम तरीके से हम अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट को प्रिपेयर कर लेंगे। सिमिलरली इक्विपमेंट्स मुझे पता है लास्ट में कितने बचे हैं, बिल्डिंग मुझे क्वेश्चन ने बताई है कितने की है क्लोजिंग में, इन्वेस्टमेंट मैंने अभी कैलकुलेट किया, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट दी एंड क्वेश्चन में गिवन है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन भी एडजस्टमेंट में गिवन था 1,50,000 का, और कैश का बैलेंस भी मुझे कहाँ पे गिवन था, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में 45,000 रुपीज़ का, तो ये 45,000 आ गया। यहाँ पे मुझे कैपिटल फंड अभी मैंने कैलकुलेट किया, सरप्लस मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से मिल गया, क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन अभी हमें गिवन थे क्वेश्चन में, और सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 5,000 रुपीज़, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें गिवन था। इन दोनों साइड्स को टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18,85,000 रुपीज़ का बैलेंस शीट का टोटल। सो दिस इज ऑल अबाउट कि किस तरीके से आपने एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जब भी आपको रिसीट एंड पेमेंट गिवन होगा तो सबसे पहले हम लोग इसको स्टडी करेंगे कि हमें गिवन क्या क्या है, फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या गिवन है, और जो भी उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट होगी वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे कि हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी है।
फिर हम अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद हम अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे ताकि हमें कैपिटल फंड का बैलेंस मिल जाए। कैपिटल फंड का बैलेंस मिल जाएगा उसके बाद हम अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को एग्जाम में करके आना है एंड आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।